Welcome to SPM IAS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 11th November 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of September 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. The first article is taken from international segment. आज हम लोग कोई भी editorial segment से article नहीं pick up कर रहे हैं क्योंकि most of the articles have come from बिहार election और कोई भी political news हमारे exam point of view से important नहीं है. तो बिहार election में क्या हुआ, कौन party जीती, ये हमारे exam point of view से important नहीं है. So today we will not be covering any editorial article. So the international topic से जो article हम आज cover करने जा रहे हैं that is about peace deal between Armenia and Azerbaijan. This topic is of course important from our syllabus paper 3 international relations point of view. So this article is related with Nagorno-Karabakh रीजन बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान. आर्मेनिया और अजरबैजान आप सबको हम पहले भी हम लोग इसको कर चुके हैं इन सितंबर मंथ जब ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नगोर्नो काराबाख रीजन के लिए. सो वहाँ पे मैंने आपको इसकी मैपिंग कराई थी ऑन 28 सितंबर 2020 एनालिसिस जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये कॉकेशियन रीजन को बिलोंग करते हैं. एक साइड में इनके कैस्पियन सी है और दूसरे साइड में इनके ब्लैक सी है और ये जो आर्मेनिया अजरबैजान है इनके बीच का एक ट्रांजिशनल एरिया है जिसको ये ब्लैक कलर से हमने डिपिक्ट किया है. इसको हम कहते हैं नगोर्नो काराबाख रीजन और इस एरिया को लेकर के अक्सर इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता रहता है और ये तो मेजर कन्फ्लिक्ट का कारण है ही. उसके अलावा रिलीजन इज ऑल्सो अ रीजन बिहाइंड द कन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू कंट्रीज. और दोनों कंट्री अजरबैजान और आर्मेनिया आपस में बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं. तो एक तो ये एरिया रीजन है कारण है. नगोर्नो काराबाख रीजन इज अ फैक्टर बिहाइंड द कन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्मेनिया अजरबैजान. दूसरा फैक्टर है रिलीजन. तो अजरबैजान फॉलोज इस्लाम वाइल आर्मेनिया इज़ मोस्टली कैथोलिक क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है. तो रिलीजन और इस रीजन को लेकर के अक्सर कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में. अब अगर इस एरिया को हम देखें जिसको डार्क कलर से हमने हाईलाइट किया यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं नगोर्नो काराबाख रीजन और इसके लिए अक्सर कन्फ्लिक्ट होते रहती है. अब इसकी अगर हम टेरिटोरियल अंडरस्टैंडिंग देखें तो हमें पता चलेगा कि दिस एरिया इज़ ऑफिशियली अंडर अजरबैजान. तो ऑफिशियली ये अजरबैजान का टेरिटरी माना जाता है लेकिन इस एरिया के अंदर जो 95% पॉपुलेशन है वो आर्मेनियन एथनिसिटी को बिलोंग करते हैं, मतलब मुस्लिम हैं, कैथोलिक चर्च क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं. तो यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो आर्मेनियन एथनिसिटी के लोग हैं जबकि ये एरिया टेक्निकली अजरबैजान के अंदर है. ऑफिशियली अजरबैजान का एरिया माना जाता है और इस एरिया में आर्मेनियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं. इस कारण से इस एरिया में ज़्यादातर आर्मेनिया का कंट्रोल भी है. तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, अब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये एरिया फॉर्मली है अजरबैजान का हिस्सा लेकिन उसके ऊपर प्रैक्टिकल कंट्रोल है आर्मेनिया का और इसी कारण से ये दोनों कंट्री आपस में लड़ते रहते हैं. आप देखो तो इस ओवरऑल एरिया के अंदर में भी ये जो ऑरेंज कलर से हमने रिप्रेजेंट किया है ये एरिया मोर देन 60% एरिया जो है दैट इज़ आर्मेनियन ऑक्यूपाइड नगोर्नो काराबाख. तो ये अनऑफिशियली आर्मेनिया ने इस एरिया को ऑक्यूपाई कर रखा है ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान ने कश्मीर का कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है जिसको हम लोग कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. और इस नगोर्नो काराबाख रीजन को लेकर के अक्सर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई हो जाती है और इसी तरह का एक रिसेंट कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में इन सितंबर 2020. और डेढ़ दो महीने से ये फ़ाइट लगातार चल रही थी और फिर एक ट्रूस ब्रोकर किया है, एक तरह का डील, पीस डील ब्रोकर किया है रसिया ने इन दोनों कंट्रीज़ के साथ. और चूँकि रसिया इस रीजन का एक मेजर सुपर पावर है एंड वंस अपॉन ए टाइम दीज कंट्रीज वर पार्ट ऑफ इट्स सोवियत यूनियन. तो इस कारण से रसिया ने इस पीस डील को ब्रोकर किया है और इस पीस डील के हिसाब से दोनों ही कंट्री जो भी पोजीशन अभी होल्ड कर रहे हैं उस पोजीशन को मेंटेन करेंगे. तो यानी कि जो टेरिटरी जिस कंट्री के अंडर है, जिस के कंट्रोल में है, वो उस टेरिटरी को अभी होल्ड करेगा. और सारे के सारे मिलिट्री ऑपरेशन सस्पेंड किए जाएंगे, मतलब अब आगे कोई भी फाइट नहीं होगी। एंड रशियन पीस कीपर्स विल बी डिप्लॉयड अलॉन्ग द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट इन नागोर्नो काराबाख। तो जहाँ पे जिस भी कंट्री के फोर्सेज है वहाँ पे वही रुक जाएंगे। देयर विल बी ए सीज फायर, आगे कोई भी मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं होंगे। और उस सीज फायर को इंश्योर कराने के लिए रशियन फोर्सेज जाएंगे एज रशियन पीस कीपर्स। इसमें ओवरऑल ये जो कन्फ्लिक्ट पिछले डेढ़ दो महीने से चल रहा था, इसमें ओवरऑल अजरबैजान को थोड़ा फ़ायदा हुआ। आप देखो फिर से इस एरिया को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि ये जो ऑरेंज कलर से एरिया हम डिपिक्ट कर रहे हैं, दिस एरिया, और वैसे तो थियोरेटिकली इट वाज पार्ट ऑफ अजरबैजान, लेकिन इसको प्रैक्टिकल कंट्रोल में था अंडर आर्मेनिया। लेकिन इस कन्फ्लिक्ट में हुआ क्या है कि अजरबैजान ने लगभग 15 से 20% एरिया इसका कैप्चर कर लिया है। सो टेक्निकली अजरबैजान को इस रिसेंट कन्फ्लिक्ट से थोड़ा फ़ायदा हुआ है। इट हैज़ बीन एबल टू रिक्लेम अबाउट 15 to 20% ऑफ इट्स लॉस्ट टेरिटरी टू आर्मेनिया। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट। इट इज़ अबाउट 30 meter telescope project. This topic is important from our syllabus paper 4 science and technology point of view. सो 30 meter टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है क्या? दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड इन जॉइंट मैनर विथ बिटवीन काल्टेक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, कनाडा, जापान, चाइना एंड इंडिया। तो इंडिया भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन डेवलपमेंट ऑफ दिस 30 meter टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में जो स्पेस एक्सपर्ट्स जो इन्वॉल्व हैं उसमें सबसे आगे हैं इस साल के 2020 के नोबेल प्राइज़ विनर प्रोफेसर एंड्रिया गीज। उनके साथ साथ कुछ इंडियन स्पेस साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व हैं, जैसे कि डॉक्टर अन्ना पूर्णी सुब्रमण्यम हु इज़ डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, डॉक्टर शशि भूषण पांडे who is scientist at आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। ये सारे नाम आपको याद नहीं करने हैं, बट आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि इंडिया भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इंडियन साइंटिस्ट भी काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन 30 meter टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। अब 30 meter टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा और समझते हैं, इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को समझते हैं कि एक्चुअली ये करेगा क्या। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ 30 meter टेलीस्कोप? तो एक तरह का ये स्पेस टेलीस्कोप है। स्पेस टेलीस्कोप का मतलब सरल है, इट विल बी यूज टू ऑब्जर्व स्पेस। स्पेस के अंदर जो भी हेवनली बॉडीज़ हैं, स्टार्स हैं, एक्सोप्लैनेट्स हैं, उनको ऑब्जर्व करेंगे, उसके फीचर्स को समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टेलीस्कोप। और ये टेलीस्कोप जो है इट विल यूज विजिबल लाइट। सो इट इज़ ए विजिबल लाइट टेलीस्कोप। देखो अलग अलग तरह के टेलीस्कोप होते हैं, अगले स्लाइड्स में हम उसको भी देख लेंगे। कुछ टेलीस्कोप्स इंफ्रारेड रेडिएशंस को कैप्चर करते हैं, कुछ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को कैप्चर करते हैं, और उसकी मदद से वो सन से आने अलग अलग हेवनली बॉडीज से, जैसे स्टार से आने वाले, दूसरे प्लानट से आने वाले जो रेडिएशंस उसको स्टडी करके उस प्लैनेट के बारे में या स्टार के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। कुछ एक टेलीस्कोप होते हैं जो विजिबल लाइट, वो लाइट जो हमारी आँखें जिसको कैप्चर कर सकती हैं, प्रोसेस कर सकती हैं, उसको हम लोग कहते हैं विजिबल लाइट। आपने जरूर बेसिक फिजिक्स में पढ़ रखा होगा उसकी समवेयर वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर to 700 नैनोमीटर। एक पर्टिकुलर तरह की फ्रिक्वेंसी की लाइट को हम लोग कहते हैं विजिबल लाइट। उसको भी अगर ब्रेक किया जाए तो वो 7 तरह के लाइट्स में टूट जाती है, जिसको हम लोग विबग्योर कहते हैं। आपने जरूर अपने फिजिक्स लैब में इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रखा होगा। तो विजिबल लाइट का ये टेलीस्कोप है, इट विल बी मोस्टली कैप्चरिंग विजिबल लाइट। एंड वंस कंप्लीटेड इट विल बी 3 times एज वाइड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्जिस्टिंग विजिबल लाइट टेलीस्कोप। तो अभी जो एग्जिस्टिंग जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप है हमारा हुबल स्पेस टेलीस्कोप, उससे काफ़ी लार्जर साइज़ का होगा ये, और उससे 12 times शार्पर इमेज देगा। इसका 30 meter टेलीस्कोप नाम इसलिए है क्योंकि इसका जो अपर्चर का डायमीटर है, जो मिरर है उसका डायमीटर है, फॉर द ऑब्जर्वेशन के लिए आपको पता है एक मिरर लगाया जाता है, उस मिरर का डायमीटर 30 meter का है। देखो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, और ये इसका जो डायमीटर है वो 30 meter का, इसीलिए इसका नाम है 30 meter टेलीस्कोप। इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इंडिया हैज़ कमिटेड 10% ऑफ द प्रोजेक्ट रिसोर्स, मतलब इसका जो भी खर्चा आया है उसका 10% खर्च इंडिया ने किया है। इसीलिए इंडिया को इसका 10% ऑब्जर्वेशन टाइम मिलेगा, मतलब जो भी इसका टाइम होगा उसका 10% ऑब्जर्वेशन टाइम इंडिया को अलॉट किया जाएगा। और दिस और 30-meter telescope project has been brought or being developed on the top of Mauna Kea volcano in Hawaii Islands. तो हवाई आइलैंड्स में ये बिल्ड किया जा रहा है एक मौना किया नाम का वोल्केनो. ऑफ कोर्स ये वोल्केनो जो अभी के लिए एक्टिव नहीं है, वहाँ पे इसको बिल्ड किया जा रहा है इन हवाई आइलैंड्स. और ये जो एरिया है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी सैक्रेड लोकेशन बाय द लोकल पीपल. और इसी कारण से जब से ये प्रोजेक्ट लाया जा रहा है तब से लोग वहाँ के काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट दिस प्रोजेक्ट. नेवरदलेस दिस प्रोजेक्ट इज़ नियर कम्प्लीसन. अब ज़रा कुछ एग्जिस्टिंग टेलीस्कोप देख लेते हैं नासा के. तो देखो नासा के जो एग्जिस्टिंग टेलीस्कोप्स हैं उसमें सबसे आगे है कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी. नाम से आपको पता चल रहा है कि ये गामा रेज़ को ऑब्जर्व करेगा. चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, नाम से आपको पता चल रहा है ये एक्सरे बेस्ड ऑब्जर्वेशन है. उसके अलावा हबल स्पेस टेलीस्कोप, इसमें हर तरह के लाइट्स को, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड लाइट्स को ये ऑब्जर्व करता है. ये अभी तक का सबसे इफ़ेक्टिव मोस्ट यूज्ड टेलीस्कोप है अभी तक का हबल स्पेस टेलीस्कोप. इसको 1990 में लगाया गया था. मोर और लेस अब इसका एज पूरा हो चुका है. कुछ ही टाइम में इसको लैप्स करा दिया जाएगा, रिटायर करा दिया जाएगा. उसके अलावा था स्पिटजर स्पेस टेलीस्कोप. ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को ऑब्जर्व करता था और ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज इट हैज़ रिटायर्ड रिसेंटली. इसी साल इसको रिटायर करा दिया गया है फ्रॉम सर्विस. अभी के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हबल स्पेस टेलीस्कोप. और हबल स्पेस टेलीस्कोप भी ये काफ़ी छोटा है हमारे जो प्रेजेंट टेलीस्कोप है 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के सामने. अभी देखो एक फ्यूचर टेलीस्कोप लाया जा रहा है. आने वाले टाइम में एक और टेलीस्कोप डेवलप किया जाएगा जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप. जेम्स वेब टेलीस्कोप हमारे रिसेंट और जो करंट हबल टेलीस्कोप है उससे काफ़ी लार्जर साइज़ का होगा. देखो ये रिप्रेजेंटेशन दिया गया है इन ऑर्डर टू जस्ट डिपिक्ट हाउ लार्जर जेम्स वेब टेलीस्कोप विल बी इन कंपेरिजन टू हबल वेब टेलीस्कोप. हबल का जो प्राइमरी मिरर है उसका साइज़ अगर ये है तो उसके सामने जेम्स वेब टेलीस्कोप का साइज़ काफ़ी लार्ज होगा. जेम्स वेब टेलीस्कोप 2021 में लॉन्च किया जाएगा और इसके बाद फिर हबल स्पेस टेलीस्कोप को सर्विस से रिमूव कर दिया जाएगा. मतलब जेम्स वेब टेलीस्कोप विल बी सक्सेसर ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप. और ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है इट विल बी 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन हबल टेलीस्कोप. तो आने वाले टाइम में और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर टेलीस्कोप्स आ रहे हैं. मुद्दा यही है 30 मीटर टेलीस्कोप आ रहा है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज़ कंपेरिजन टू हबल टेलीस्कोप. उसके अलावा जेम्स वेब टेलीस्कोप आ रहा है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज़ कम्पेयर टू हबल टेलीस्कोप. और ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है जो फ्यूचर में लाया जा रहा है इसकी एक खास बात होगी. It will help us in seeing back in time. तो जो इवेंट्स हो चुके हैं उनको भी ये हमें देखने में मदद करेगा. ये जो लाया जा रहा है जेम्स वेब टेलीस्कोप इट विल हेल्प अस इन सीइंग बैक इन टाइम. अब आप नेचुरली सोचेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो पाएगा, कैसे जो इवेंट ऑलरेडी हो चुके हैं उसको अब हमें देखने में कैसे मदद मिलेगी. तो इसको ज़रा समझते हैं. देखो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ हबल स्पेस टेलीस्कोप विल हेल्प अस इन सीइंग बैक इन टाइम. तो देखो मान लो कोई कॉस्मिक इवेंट हुआ, कुछ भी एक्सप्लोजन हुआ, मान लो बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, कुछ भी हुआ. अब वो कॉस्मिक एक्सप्लोजन और हमारे अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है. इट कैन बी 1000 लाइट ईयर्स अवे. 1000 लाइट ईयर्स का मतलब है लाइट ईयर इज़ ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस. 1000 लाइट ईयर डिस्टेंस का मतलब है कि यहाँ से जब लाइट चलेगी तो इतना डिस्टेंस कवर करने में उसको 1000 ईयर्स लगेंगे. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ 1000 लाइट ईयर्स डिस्टेंस. तो अगर कोई इवेंट 1000 लाइट ईयर्स अवे हुआ था, 1000 लाइट ईयर्स अवे डिस्टेंस पे हुआ था कोई भी कॉस्मिक इवेंट, तो उसको उस लाइट को हमारे अर्थ सरफेस के नज़दीक आने में, हमारे स्पेस के नज़दीक आने में, हमारा जो एटमॉस्फेरिक स्पेस उसके नज़दीक आने में 1000 साल लगेंगे. तो ये इवेंट 1000 साल पहले हो चुका है लेकिन हमारे अर्थ पे इसकी लाइट पहुंचेगी 1000 साल बाद. यानी कि ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है लेकिन इसको हम देख पाएंगे 1000 साल बाद. और यही कारण है कि हम लोग जो इवेंट ऑलरेडी हो चुके हैं बैक इन टाइम उसको भी ऑब्जर्व कर पाएंगे विथ हेल्प ऑफ दिस जेम्स वेब टेलीस्कोप. So after this event will be seen after 1000 years. ये ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन जब ये लाइट यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी तो पहुँचते पहुँचते 1000 साल बीत जाएंगे और 1000 साल बाद ये लाइट यहाँ पे ऑब्जर्व की जाएगी और जो इवेंट 1000 साल पहले हुए थे उसका हमें पता चल जाएगा. इन दिस वे दिस जेम्स वेब टेलीस्कोप विल हेल्प अस इन गोइंग बैक इन टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैपेंड इन द पास्ट. इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट. इट इज़ अबाउट प्रमोशन ऑफ रुपे कार्ड. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. सो रुपे कार्ड स्कीम के बारे में समझ लेते हैं. देखो, रुपे इज़ फर्स्ट डोमेस्टिक डेबिट एंड क्रेडिट पेमेंट कार्ड स्कीम ऑफ इंडिया. आपने पहले जो भी आपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया होगा उस पे इस तरह का आप एक लोगो देखते होंगे. वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड, ये सब फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो फॉरेन की या डिजिटल कंपनियां हैं जो हमें डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. तो बाद में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने रुपे कार्ड लॉन्च किया. रुपे इज़ इंडियन या डोमेस्टिक डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट नेटवर्क. रुपे नाम आपको देख के पता चल रहा होगा. इट हैज़ कम फ्रॉम 2 टर्म्स, रुपी एंड पेमेंट. और जो रुपे कार्ड है ये इंडिया के हर एक एटीएम में चलता है और इंडिया के अलावा ये विदेशों के भी कुछ देशों में जैसे कि सिंगापुर में, भूटान में, यूएई में, बहरीन में और सऊदी अरबिया में चलता है. और धीरे धीरे भारत सरकार कोशिश कर रही है कि रुपे कार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में एक्टिव बनाया जाए या फंक्शनल बनाया जाए. अब करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ बस इतना है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने सारे बैंक्स को डायरेक्टिव्स दिया है, जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, कि हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर तो बस रुपे कार्ड का इस्तेमाल होना चाहिए. किसी और अब पेमेंट कार्ड का, जैसे कि मास्टर कार्ड या वीज़ा का भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. तो ये पहला डायरेक्टिव दिया है भारत सरकार ने. और उसके अलावा दूसरा डायरेक्टिव दिया है भारत सरकार ने बैंक्स को कि बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल मोड्स ऑफ ट्रांजेक्शन को प्रमोट करें. तो 2 मोड होते हैं ट्रांजैक्शन के. ऑफ कोर्स पहला होता है कैश मोड ऑफ पेमेंट, दूसरा होता है डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट. तो बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट को प्रमोट करें, क्योंकि डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट से इकोनॉमी को कई सारे फायदे होते हैं. तो लेट अस सी द बेनिफिट्स दैट अक्रूज टू एन इकोनॉमी बिकॉज ऑफ डिजिटल पेमेंट. सबसे पहला होता है इट इज़ ईजी टू कंडक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. ऑफकोर्स डिजिटल पेमेंट में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना कितना आसान है. एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफ़र करना, बैठे बैठे फ्यू क्लिक्स की मदद से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं. दूसरा, यू कैन अवेल डिस्काउंट्स विथ ऑफर्स, तो बहुत सारे कैशबैक मिलते हैं. ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर स्टोर्ड, तो जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं सब के सब स्टोर होते हैं. तो एक तरह का प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम बनता जाता है. इस कारण से फ्यूचर में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो सकता कि मैंने किसको कितना पेमेंट किया था, किससे कितना मुझे लेना बाकी था. जब हम कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं तो अक्सर कन्फ्यूजन भी हो जाता है, उसके लिए अलग से हमें खाता मेंटेन करना पड़ता है. लेकिन डिजिटल पेमेंट में इस तरह का खाता मेंटेन नहीं करना पड़ता और इस कारण से बैंक फ्रॉड्स होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज स्टोर्ड. उसके अलावा सिक्योरिटी इज़ हाई इन दिस सिस्टम. ऑफ कोर्स जब सारे के सारे ट्रांजेक्शन से स्टोर होंगे तो सिक्योरिटी हाई होगी. इट इज़ फ्री फ्रॉम हैसल्स, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से क्लिक्स की मदद से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. कन्वीनियंस इन डीलिंग विथ दिस मनी, तो ऑफकोर्स इट इज़ मच मोर कन्वीनियंट. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट वन कैन नॉट अवॉइड पेइंग टैक्स विद दिस सिस्टम. जब आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप टैक्स की चोरी नहीं कर सकते. एंड विद दिस द यूजेस ऑफ और जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी विल कम डाउन. द पैरेलल इकोनॉमी कैन बी कर्टेल्ड और रिस्ट्रिक्टेड विथ हेल्प ऑफ मोर एंड मोर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स. The next article is taken from Assam segment. It is about confusion regarding firecrackers use in Assam. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam governance point of view. ये आर्टिकल ये आप देख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा. ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ आसाम बैन्स फायर क्रैकर इन गुवाहाटी वाइल हिमंतो से इज नो रिस्ट्रिक्शन. तो एक तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है कि हम पटाखे जला सकते हैं या नहीं जला सकते हैं दिवाली में इस साल. तो ज़रा और डिटेल में देखते हैं इस न्यूज़ आर्टिकल को. तो देखो, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ आसाम ने क्या कहा है. इट हैज़ इशूड अ नोटिफिकेशन बैनिंग द यूज ऑफ फायर क्रैकर्स इन गुवाहाटी। तो फायर क्रैकर्स को यूज करना या बेचना उस पर बैन लगाया गया है गुवाहाटी शहर के अंदर, और जबकि बाकी सारे शहरों के अंदर या बाकी सारे जगहों पे असम के अंदर हम बस ग्रीन फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ असम ने कहा है। ग्रीन फायर क्रैकर्स वो होते हैं जो कम पॉल्यूशन इमिट करते हैं और जिसका नॉइज़ लेवल भी कम होता है। इट्स नॉइज़ लेवल शुड बी लेस दैन 90 डेसीबल। अब कन्फ्यूजन क्या है कि एक तरफ तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ असम ने कह दिया कि हम गुवाहाटी के अंदर तो फायर क्रैकर्स का यूज़ कर ही नहीं सकते, जबकि हेल्थ मिनिस्टर हिमंतो बिस्व शर्मा साहब ने कह दिया कि सरकार ने इस तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। और वैसे लोगों को अपने तरफ से कम पटाखे जलाने चाहिए, पीपल शुड प्रैक्टिस रिस्ट्रेन, लेकिन सरकार की तरफ से कोई फॉर्मल या ऑफिशियल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड दिस हैज़ क्रिएटेड अ काइंड ऑफ कन्फ्यूजन अमंग्स द पीपल ऑफ असम, स्पेशली इन द पीपल ऑफ गुवाहाटी, क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहता है कि हम फायर क्रैकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सरकार कह रही है कि ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में ज़रा समझ लेते हैं ब्रीफली। देखो, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेंट्रल लेवल पे होता है और स्टेट लेवल पे भी होता है। सेंट्रल लेवल पे जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, एंड इट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, और इसको ड्यूटी क्या दी गई है, जैसा कि इसका नाम ही आप देख रहे हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो उसी हिसाब से इसका काम भी दिया गया है टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इट हैज़ बीन गिवन मोर पावर अंडर एयर एक्ट ऑफ 1981 एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो सबसे पहले इसको वाटर एक्ट के अंतर्गत बना दिया गया था, बाद में जब एयर एक्ट लाया गया 1981 में तो इसके हिसाब से इसको कुछ और पावर दिए गए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया तो इसके हिसाब से इसको कुछ और भी पावर्स दिए गए। इसी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के सेक्शन 4 में दिया हुआ है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अलावा हर एक स्टेट के अंदर एक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी होगा जो स्टेट लेवल पे पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगा। और सेक्शन 4 को ही फॉलो करते हुए असम सरकार ने असम स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को स्टैब्लिश किया, जिसने असम स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हाल फिलहाल में कहा है कि गुवाहाटी के अंदर तो हम फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते, जबकि बाकी जगहों पे हमें ग्रीन फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल करना है। तो दिस इज़ ए काइंड ऑफ कन्फ्यूजन। अब आगे देखते हैं इस पर और क्या क्लैरिफिकेशन आता है। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 181 to 183. Topic number 181 is about Lachit Diwas. On 24th November each year, Lachit Diwas is celebrated statewide in Assam. It is done to commemorate heroism of Lachit Borphukan and the victory of the Assamese army at the Battle of Saraighat. Lachit Diwas is celebrated to promote the ideals of Lachit Borphukan. The National Defense Academy (NDA) ever since 1999 has been conferring the Best Pass Out Cadet Award with Lachit Borphukan Gold Medal. तो जो भी बेस्ट कैडेट होता है उसको लचित बोरफुकान गोल्ड मेडल दिया जाता है आफ्टर नेम ऑफ लचित बोरफुकान हिमसेल्फ। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 181. टॉपिक नंबर 182 इज नौ लॉगुआ उत्सव. It is a harvest festival of Mau Moria community. Devotees across the Assam come to Sri Sri Ashtabhuj Dev Thon. It is also known as Bor Beti Thon. In the year 1768, the 9th Mayamora Vaishnavite Guru Sri Sri Ashtabhuj Dev had decided to shift the monastery from Suti Patha to a place that is less threatened by Brahmaputra to a place known as Bor Beti, and presently it is located in the heart of Molau Pathar. This year, that is in 2020, it will be 253rd edition of this celebration. Please attempt this question that is based on topic number 182. Topic number 183 is about elephant restaurant. So farmers of 12 villages in Rongkong Hathikuli area of Golaghat district have started jumbo खेती. जंबो खेती में वो क्या करते हैं, कुछ एक इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप्स उगाते हैं बस एलिफेंट्स के लिए, जैसे कि पैडी, जैक फ्रूट, बनाना, नेपियर ग्रास और टूंगा, जो एलिफेंट्स को पसंद है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि एलिफेंट जो ये कार्बी एंगलोंग के हिल्स एरियाज में रहते हैं, ये जब नीचे उतर के आएँ तो इनको पहले ही खाना मिल जाए और इस एरिया में वो खा पी करके वापस से अपने हिल्स पे चले जाए, रादर देन अटैकिंग ऑन द क्रॉप फील्ड्स ऑफ द फार्मर्स। तो ये है पर्पस एलिफेंट रेस्टोरेंट बनाने का या जंबो खेती करने का। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। This is the answer of question number 178 to 180 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be giving answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. फर्स्ट वाज अबाउट हाइपर लूप टेक्नोलॉजी. इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली बट इट इज़ वेरी मच कॉस्टली. दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होगा और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इसका कॉस्ट भी कम होगा. दूसरा, हाइपर लूप टेक्नोलॉजी हैज़ ऑलरेडी बीन यूज इन कॉमर्शियल पर्पस. No, this statement is also wrong, so the correct answer will be option D. The second question was regarding Competition Commission of India. It is a statutory body under Competition Commission Act of 2001, so the correct answer will be option A. That's all from our side for today. Thanks for watching.